मुजफ्फरनगर जिले में गुरुवार को दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर एक अनियंत्रित 22 टायर ट्रक ने बाइक सवार भाई और बहन को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों भाई बहन बाइक सहित ट्रक के नीचे आ गए। घटना में दोनों भाई बहन की मौत हो गई, जिसके बाद घटना की सूचना परिवार को लगी। परिवार में कोहराम मच गया। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। उसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने NH-58 पर जाम लगा दिया। घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और कई घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों और परिजनों को समझा बुझा कर मामला शांत किया। मामला जनपद मुजफ्फरनगर के थाना मंसूरपुर क्षेत्र का है, जहां दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर गांव घासीपुरा में देहरादून की ओर से आ रहे एक 22 टायरे ट्रक ने बाइक सवार दो भाई बहनों को कुचल दिया, जिसमें दोनों भाई बहनों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार थाना मंसूरपुर क्षेत्र के ही गांव घासीपुरा निवासी कुलदीप और उसकी बहन दीपा बाइक पर सवार होकर आ रहे थे, तभी दूसरी साइड से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने डिवाइडर पार करते समय दोनों बाइक सवारों को कुचल दिया, जिससे कुलदीप और दीपा की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना जैसे ही परिजनों को लगी तो परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। नेशनल हाईवे 58 पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। ये हमारी भतीजी थी, इसके 8 दिन पहले बच्चा हुआ था। अच्छा। तो ये दवाई लेके मंसूरपुर से ये कट पे यहाँ पे खड़े हो गए। ये गाड़ी इधर से आई, इसके बराबर में हो रहा है, इसने पहिया चढ़ा दिया डिवाइडर पे। डिवाइडर पे पहिया चढ़ते इसने घुमा दी इनके डिवाइडर इनके ऊपर। देखो कहाँ है, वो तो आपके सामने है, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ। ड्राइवर भी पकड़ा हुआ था। एक मिनट, तो जिस टाइम में पड़ी साइड, अगर ये चाहता ब्रेक भी ले लेता तो वो लड़का अगला तो बचता ही बचता। चलो ये लड़की में 1% पिछले पहिए के नीचे आ गई, तो अगली को तो वहाँ जाकर मारा। अगली पड़ी रोड पे नहीं, बाइक पे तो बाइक जो उस बाइक के साथ लेके गए, वहाँ जाकर पहिया जब तक उतरा नहीं, इस चढ़ गया जब ब्रेक मारे, जब उसके छत पेट पे पहिया जो भी होगा इसमें लोहा है। अच्छा। तो उस ये गाड़ी नहीं रुक सके और ये उसमें उतर जाकर पहिया चढ़ा कर दोनों पे, दोनों के पेट पे पहिया है। अच्छा। बच्ची के 8 दिन पहले बच्चा हुआ था, बच्ची यहीं पे अपने मायके थी। जो मर सकते वो आपके क्या लगते थे? ये भतीजा था, एक भतीजी थी। क्या नाम था उसका? था कुलदीप लड़के का और लड़की का दीपा, गाँव घासीपुरे के। तो क्या मांगे, अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ये कल कोई झूठी रिपोर्ट हो गया, कुछ हो गया, गलत जगह इन्होंने गलत साइड पर जाकर मारा। अगर सामने मारता तो 1% बड़ी गलती थी। इनने 20 डिवाइडर पर जाकर वहाँ से टक्कर मारता है। जिस तरीके से जाम लगा रहे हम, तो मंत्री जी को हमारे बुलाया जाए और हमारे मंत्री जिम्मेदारी इसके लिए कुछ ना कुछ इन बच्चों के लिए। देखो इसके एक लड़की है और उसका भी देखेंगे। मेरी लड़की थी बड़ी दीपा, छोटा लड़का था कुलदीप। हाँ, दवाई लेट गए थे डॉक्टर के। हाँ, नवैन भैया भाई बाइक पे भाई मंसूरपुर से आ रहे थे। जी जी, क्या हुआ था, कहाँ से आ रहे थे? मंसूरपुर से आ रहे थे। अच्छा, फिर कैसे हादसा हुआ, कैसे हुआ? इससे हुआ गाड़ी से ट्रक से हुआ। जी जी जी, किरोसिन के लिए फटे थे रोड पर जब हुआ। हाँ, किस तरीके का नाम है, किस तरीके की मांग चाहते हैं, क्या चाहते हैं? भाजी मांग गया, मेरे बच्चे चले गए, मेरे तो घर उजड़ गया। हाँ जी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। संजीव बालियान जी को यहाँ बुलाओ, इन्हें बुलवाओ। हाँ जी, इनकी बुलाओ यहाँ पे मौके पे। देखें 10 दिन की लड़की जच्चा थी। हाँ जी, लड़की हुई थी इस पर। हाँ जी, आज 12वां दिन है जी आज। घटना की सूचना पर SDM खतौली और खतौली तथा थाना मंसूरपुर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, मगर ग्रामीण हाईवे पर हो रही लापरवाही का हवाला देते हुए कार्रवाई की मांग करते रहे। कई घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरह अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत किया और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या मामला है यहाँ पे? अभी जो एक्सीडेंट हुआ है उसका ब्रीफ आपको अभी हमारे CEO साहब ने भी दिया हुआ है। तो उस हादसे में हमने परिवारजनों से बात भी करी है, जो भी इसके कारण रहे हैं उसको हम शीघ्र अतिशीघ्र उसको एड्रेस कराएंगे और जो भी यथासंभव हमारे नियमानुसार मदद हो सकेगी। परिवार को पूरा आश्वासन दिया गया है कि नियमानुसार हर संभव मदद की जाएगी। मैडम, ओवरलोड को चलते काफ़ी यहाँ हादसे होते हैं, अभी पीछे भी कई हादसे हुए हैं, तो उसमें क्या कार्रवाई उस पर हमने पहले भी, अभी हम आगे उस पर भी आगे अधिकारियों से या जो भी कंसर्न पर्सन है, हम बिल्कुल कंटिन्यूस टच में हैं, रोज़ हम उनसे बात कर रहे हैं
और बिल्कुल शीघ्र अभी एक या दो दिन में तत्काल उनकी तरफ से इसका एक निस्तारण आपको मिलेगा। लोगों का कहना है जैसे यार्ड भी बना हुआ है गन्ने का, वो भी मतलब काफी खतरनाक है, तो उसकी डिटेल्स हम अभी गैदर करा रहे हैं। जैसे आपसे भी हमें ये सूचना प्राप्त हुई है उस पर तत्काल हम दिख पाएंगे, अगर वो एक कारण है तो उस पर एकदम नियमानुसार हम कार्रवाई करा के उसको। NH 58 पर घासीपुरा कट के पास में एक दुखद दुर्घटना हुई है। इसमें एक भाई बहन जो घासीपुरा के रहने वाले थे, मंसूरपुर साइड से आ रहे थे, और इसी दौरान जो मेरठ की तरफ एक ट्रक जा रहा था उस ट्रक से बाइक में टक्कर लग गई और ऑन द स्पॉट इन दोनों भाई बहनों की मृत्यु हो गई है। और तत्काल मौके पर पहुँच कर हम लोग जो विधिक कार्रवाई है उसको करा रहे हैं। परिवार जनों की कुछ मांग थी, अलग अलग चीज़ों को लेकर मांग थी कि यहाँ पे थोड़ा सा लाइट की व्यवस्था हो जाए, या फिर मतलब कि घटनास्थल जो ट्रक ड्राइवर है वो पकड़ा जाए और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। उनको आश्वस्त किया गया है कि जो भी विधिक कार्रवाइयाँ हैं परिवारजनों की तरफ से तहरीर लिख कर और उसमें मुकदमा पंजीकृत करा के नियमानुसार कार्रवाई कराई जाएगी। और अभी डेड बॉडी को यहाँ से निकलवा के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है, पंचायतनामा कराया जा रहा है, और आप लोग जैसा कि अब देख रहे हैं कि यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। धन्यवाद। चालक की क्या है? चालक उसकी जानकारी की जा रही है। गाड़ी गौरतलब है कि नेशनल हाईवे 58 पर इस समय ओवरलोड वाहनों की भरमार है, जिसके चलते आए दिन कोई ना कोई हादसा होता है। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।